क्या वाकई डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अजय नारायण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया या फिर अजय नारायण की गिरफ्तारी के पीछे की कहानी कुछ और है। हालांकि एसपी सुल्तानपुर ने बताया है अजय नारायण उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अजय नारायण को कैसे गिरफ्तार किया इसका खुलासा पुलिस कप्तान ने किया है। पहले सुनिए क्या कहा सुल्तानपुर पुलिस कप्तान ने। थाना कोतवाली अंतर्गत डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मूल अभियुक्त अजय नारायण सिंह तथा उसके सहयोगी ड्राइवर दीपक सिंह दोनों को आज पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। तो सुना आपने अजय नारायण की गिरफ्तारी पर क्या बताया पुलिस कप्तान ने। वहीं सोशल मीडिया पर मोस्ट वांटेड अजय नारायण की गिरफ्तारी को लेकर अलग तरह की बहस छिड़ी है। यूजर लिख रहे हैं, सब मैनेजमेंट का कमाल है, अजय नारायण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसने खुद आत्मसमर्पण किया है। वैसे भी उत्तर प्रदेश के एसटीएफ और पुलिस ने मोस्ट वांटेड अजय नारायण की नाक में दम कर दिया था। पुलिस ने अजय नारायण के घर की कुर्की के लिए डुगडुगी बजवा दी थी, यानी किसी भी वक्त अजय नारायण का घर कुर्क हो सकता था। यही नहीं, अजय नारायण के करीबियों पर भी पुलिस का शिकंजा कस चुका था। अब तक अजय नारायण के करीबियों और परिवार वालों पर रंगदारी वसूली के 7 अलग अलग मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। शायद यही वजह है जो मोस्ट वांटेड अजय नारायण टूट गया। चर्चा है, सोमवार को दोपहर बाद अजय नारायण सिंह को लोगों ने पयागीपुर चौराहे पर देखा। पयागीपुर जहां से सीधे लक्ष्मणपुर पुलिस चौकी आया। अजय नारायण के साथ उनका ड्राइवर दीपक भी था। जहां से पुलिस अजय नारायण और दीपक को नगर कोतवाली सुल्तानपुर लाई। फिलहाल अजय और दीपक पुलिस हिरासत में है। गहन पूछताछ जारी है। पुलिस की पड़ताल में अजय नारायण डॉक्टर त्रिपाठी हत्याकांड से जुड़ा वो राज उगलवा सकता है जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। पुलिस की तरफ से बताया गया है अजय नारायण और उसके ड्राइवर दीपक को 10 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।